रोज खातर लिए की का भाई छोटक की होसा तड़ियो आशीर्वाद दे तड़ी खुश रह। हेलो, तो आज हम जाने वाले थे दीदी के सॉरी गांव पे, लेकिन नहीं गए, हमारा प्लान कैंसिल हो गया। अब क्या ही बताएं, पूरे दिन काम में थे कि अब जाएंगे, अब गाड़ी आ जाएगी, पर नहीं आई। तो यहाँ पे दीदी बना रही है दही बड़े, क्योंकि हमने सोचा था कि जब निकलना होगा उससे थोड़ी देर पहले बनाएंगे, पर नहीं हुआ। कुछ नहीं, बना ही लेते हैं। दही वही मैंने फेंट लिया है और शायद कल सुबह निकले, शायद ही बोल सकते हैं। अब तो कल ही पता चलेगा कि कल जा पाएंगे कि नहीं, देखते हैं। इतना सारा सामान, अब हम निकल रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम हो चुका है। अब हम फाइनली गांव के निकल चुके हैं और हमारी जो गाड़ी है वो बाहर आ चुकी है। कितनी मुश्किलों के बाद मिली है वो। तो बस सारा, इतना सारा सामान हो चुका है ना, बहुत सारा। अरम्या का 3 बैग, मेरा और गोलू दी का मिला के 4 बैग, दीदी का पता नहीं कितना बैग। तो अब निकल रहे हैं, बस जब गाड़ी आ जाए दरवाजे पे। तो यहाँ पे बहुत सारा बैग जा चुका है, कुल मिला के हैंड बैग लेके 13 बैग है। धीरे धीरे करके जा रहा है। यहाँ पे रम्या देख सकते हैं आप, यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे दीदी बैठ चुकी है। रम्या, यहाँ पे हम ले रहे हैं मिठाई। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो अभी नया नया बना है, बहुत ही यादगार चीज़ है ये। ये सर्विस रोड है और वो है मेन हाईवे। दीदी बात करिए पापा से। रही है थी वाला ये भी, तो ये वाला रास्ता मुड़ी है, जैसे मुड़ के हमने निकल जेबो। अच्छा, आप इंतजार कर रहे हैं? फोन एक बार भी मेला में नहीं गए हैं बाहर घर से। और गोलू जी बोले तुम्हारे वजह से मैं चाय कैंसिल बनाई हूँ, बोले कि आइए तो अभी चाय बना रहा हूँ, दिखा दो। और वो खाना बना रही है इतनी जल्दी वहाँ पे, सब लोग 3 बजे है वहाँ पे, 8 बजे तक सब लोग खा लेते हैं, 9 बजे तक लोग फ्री हो जाते हैं सारा। उठाई दिखा रोड, देखा सुंदर सुंदर, देखा दड़ू वही देखा तनी उठ के थे ना। अक्षय खुलबू तुम देखो, जल्दी खुला के देखो, दिखा सुन जालू का तू रास्ते में आके एक आते आगे बैठ लो। खबू जी देख ला, पूर्वांचल एक्सप्रेस में देख ला या लल्ला। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैंने चाय बना ली है। देखिए इसमें दिख रहा होगा, चाय बना ली है, सबको दे भी दिया है, पापा और दादी को। तो सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी है और आज मैं 5:30 बजे जग के तैयार हो गई हूँ। तैयार क्यों है, मतलब वेट कर रही हूँ दरवाजे के सामने बैठ के कि दीदी लोग जल्दी से आ जाएं, क्योंकि आज वो लोग 6 बजे निकलेंगी तो 7-8 बजे से पहले तक आ जाएंगी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पापा यहाँ बैठ के हनुमान चालीसा बजा रहे हैं। मैंने कहा पापा बंद कर दीजिए वरना कॉपी राइट आ जाए। कहा जी कहा, कुछ नहीं, चाय पी ली और ही पियबू, तनी तनी पियल जाला ना। दादी अपना चाय पी के एकदम मस्त बैठ गई है ओढ़ ओढ़ के। क्या हो, क्या कर रहा है, इसकी सफाई कर रहे? ये चिड़िया भाग, दूध ले लेती हूँ फटाक से। दूध वाली आंटी जी आ गई है। एक ही लीटर नहीं चाहिए, 3 पाव 1 लीटर नहीं खुले ही ना। चलो 3 पाव ठीक, कॉलन दो 1 लीटर ले। अच्छा जी, चलो चलो मेला तो फिर 3 पाव भैया। हां दे ना दीन चाची की, क्या करूं बुच्ची, ऐसा ना मेला से मेला हो चाहे कुछ हो, कि एक बार अगर हम करें चाची दूध दे देली। ये कब तक नहीं खिला दे, अजीब सा है राती को। तो दूध भी आ गया, चाय भी बन गया, सब हो गया, पर अभी मेरी दीदी नहीं आई।
आने में उनको अभी आधे घंटे और लग जाएंगे। पापा बैठ के अपना एंजॉय कर रहे हैं फ़ोन, दादी मेरी राह देख रही हैं ये कुछ ना कुछ मैं लेके आऊँगी उनके लिए, और मैं बस जा रही हूँ नहाने या फटाक से, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, 6:30 हो गए हैं और मैं नहाई नहीं हूँ। तो मैं जाके फटाक से नहा लेती हूँ, नहा के फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि पूजा में भी शामिल होना है मुझे। आई थी मैं नहाने, तो मैंने सोचा सबसे पहले क्यों नहीं सफाई कर दूं, क्योंकि ये नीम का पेड़ है और नीम के पेड़ के नीचे से रोज़ रोज़ ऐसे पीली पीली पत्तियां झड़ रही हैं, विंटर सीजन में तो यही होता है। तो मैं सोच रही हूँ साफ़ कर दूं, तो उतना तो थोड़ा सा मैंने साफ़ कर दिया। ये सब साफ़ करना थोड़ा टास्क है क्योंकि घास के बीच में है, साफ़ कर ही लेती हूँ। हाँ पापा, तो खुरपी से कर लो पापा, ना हो पाई। सब लोग अपने अपने काम में हैं, पापा घास साफ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जाने आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये घास का क्या ही बताऊँ, इसको ना एक महीने में 3-4 बार साफ करना पड़ता है, ऐसे करो फिर उगाती है क्योंकि। और यहाँ पे मैं दादी जो है, दादी मेरी, इनको मैंने ना वो दिया हुआ था वेजिटेबल हार्वेस्टिंग की जो वीडियोज़ होती है ना, वो लगा के खूब मगन होकर देख रही थी, तो पपीता है। और फिर उसके पापा ने इनको वो कृष्ण भगवान की बचपन वाली वीडियो लगा के दे दी थी, तो दादी देख देख के खूब खुश है, सोच रही कब फ़ोन देगी, वीडियो बनाना बंद करें मुझे फ़ोन दे, मैं फ़ोन देखना स्टार्ट करूं। और कहा पापा, पापा बोल रहे हैं कि तुम वीडियो में बहुत तेज़ तेज़ बोलती हो, रुक रुक के बोला करो। पापा को नहीं पता कि पता नहीं क्यों वीडियो स्टार्ट होते ही मैं तेज़ बोलने लग जाती हूँ। तो ये पता तुम्हें तोड़ दे बा, तोड़ ना देगो, काल तोड़ ले रही तो पता ना कहाँ रखा हो गए, छरका वाला नहीं हो एक बढ़िया दतून। मैंने बोला हुआ दतून दातून तोड़ने के लिए, यही तो है खासियत, ब्रश की भी जरूरत नहीं है गांव में, तुरंत तोड़ो तुरंत ब्रश करो। बढ़िया वाला काटेगा, हाँ 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 अच्छा भाई वाला, हाँ हाँ ये ठीक बा। अरे वाह मेरा, यहाँ पे देखिए नीचे पत्तियां भी, ये भी साफ करना पड़ेगा, ये मेरा दातुन टूट गया, वाह एकदम फ्रेश दातुन, जिस जिसने दातुन किया होगा वो कमेंट करें। इतना बड़ा दातुन मेरा टूट गया है, इसको मैं 2-3 बार में आराम से खत्म करूंगी। मतलब मेरी दादी अकेले नहीं रहती हैं, पापा उनके साथ हमेशा रहते हैं, और दादी मेरी अंदर जाएंगी नहीं तो कोई बात नहीं, वो नहीं जाएंगी तो क्या वहाँ। और हम लोग जब भी आते हैं ना तो ऊपर बहुत कम ही, बस सोने सोने के लिए जाते हैं, दिन भर दादी के पास ही बैठे रहते हैं। और पापा तो आ ही गए हैं दादी के लिए सब कुछ, मतलब जो भी करना होता है पापा करते रहते हैं, हमेशा उनके लिए होते हैं। तो आप लोग इस चीज़ की चिंता बिल्कुल भी ना करें, मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को चिंता होती होगी कि अरे दादी अकेले रहती है नीचे क्या उनको डर लगता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ना कोई उनके पास ज़रूर होता है रहने के लिए। तो आप लोग के सवाल का जवाब भी मिल गया। आप लोग सोच रहे होंगे कब से बोल रही नहाने जाने के लिए, गई नहीं अभी तक, बस वही बताया ना साफ़ सफाई करने जो रह गया है वही निपटा के बस जा रही हूँ। मैं आप लोग को दिखा दूँ, इतनी सारी चिड़िया आई हुई हैं, दिख रही हैं भर भर की चिड़िया, बस निपटा के जा रही हूँ। हाँ तो एकदम आ चुकी हूँ किचन में, और बड़ी मम्मी को कहीं जाना है तो बोल रही थी कि तुम फटाक से तब तक सब्जी छान दो, मैं आती हूँ 2 मिनट में, तो वही मैं करने लग गई हूँ। और हाँ एक बात और मैंने बताना भूल ही गई, मैं दीदी ना यहाँ तक पहुँच गई, कुंडेसर तक पहुँच गई है, तो बस 5 मिनट में घर तक पहुँच जाएंगी तीनों लोग, और अरम भी आ रही है, प्रियंका भी आ रही है, सारे लोग आ रहे हैं, तो मेरी खुशी का तो कोई वो ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है। मतलब 2 दिन से मैं बस दूर हूँ, ऐसा लग रहा है कितने सालों से हम लोग दूर हैं। तो बस ये सब्जी छौंक के जा रही हूँ, पापा को गुड न्यूज़ दे देती हूँ, क्योंकि पापा ने बोला था कि अभी कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ, तो मैं सोच रही हूँ वो लोग आ जाए इकट्ठे, तब भी हम लोग कुछ अपना प्लान आगे बढ़ाया जाए। तो फटाक से सब्जी छौंक के भी मैं जा रही हूँ पापा के यहाँ, बस 5 मिनट और। दी और प्रियंका लोग की गाड़ी आ चुकी है गांव के उधर, पापा जा रहे हैं लेने, बोल रहे हैं कि दूसरी वाली चौकी यहाँ पे शिफ्ट करो क्योंकि 4-5 लोग हो जाएंगे दिक्कत होगी।
अगर आपको जन्नत देखना है तो ये देख लीजिए। वाह, मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके ये देखना। पूरे रास्ते बस इसी रास्ते का इंतजार करती हूँ कि कब आएगा और उसको मैं देखूंगी। तो भले रास्ता खराब हो पर लोकेशन देख लीजिए। जब मैंने कैमरा ऑन करके दिखा रही हूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, दीदी तुरंत कैमरा निकाल के, इस टाइम वो भी ब्लॉग, ये देख लीजिए बस, इसमें बहुत सारा वाटर ले लिया है। किधर है मेरी बहन, दिख नहीं रही है। सामान तो से नहीं उठते रहे। चलिए घर चल के मिलते हैं, सामान उठवा लूं। रोज को हाथ लिएगी कब भाई छोटा की होसा तड़ियो आशीर्वाद दे तड़ी खुश रह। तो यहाँ पे ये कैसे पहचान गई मम्मी के, ये बोल रही है कैसे पहचान गई है। सुनत रलिया वो हमनी के देख के पहचान गई हो मांजी आजी हसे निकलेगा लमिंदा पे। ये जी लाठी कहाँ है जरा खर बता, मारे खातिर का हमनी के जे सोझे रख ले बड़ू। मारत लिए बेटा पहले यही से लठी ले, मारत ना रही बस दिखाओ तो ना आजी। चार साल पहले ही कोई काम कर ले बड़ी। अबे आजी के देख लो पूरे रे बात। ए जी पार ने की मिसाई का बेटा ना ना वाल जी हां थोड़ा देर आज ही चाय पी रही हैं मेरी। ना आई जात बे। तो यहाँ पे दीदी अभी दादी को हम नहलाएंगे। दीदी ये कौन सी बाल्टी है, ये तो लैट्रिन वाला जिसे पॉटी करने के लिए चला रही हूँ मैं फ्रेश होने के लिए। पापा मेरे दिन भर में कई बार फ्रेश होते हैं, खाते एक रोटी है। बस देख लीजिए ये बस ये देख लीजिए आसपास कितना सुंदर सा माहौल है। वाह 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 वाह, मैंने सुबह का वीडियो रिकॉर्ड किया तुम दिखाओ ना, इतनी सुंदर सुंदर चिड़िया आई थी कल। तो अब दादी को नहलाएंगे, जो सब सुबह सूर्य सूर्योदय हुआ है ना वो भी मैंने रिकॉर्ड किया। और थोड़ी देर बाद हम ना सब कुछ करके जाएंगे मेला, तो उसमें हमने क्या क्या मतलब हमने बहुत सारी चीजें मंगा दी। मैं शैम्पू कर लूँ, शैम्पू मंगावे पड़ी, दुकान तो हम देख ले ही नहीं की। रम्या तो अभी नहीं की दुकान देख ले। ए रम्या, ए बेटा इधर आओ, दुकान देखी हो यहाँ पे तो मौसी को तरीकी भेजी है दुकान ही। चलो तो हम लोग को समझ। बेटा देखो ये हाथ में एक चीज दिखाओ, देखो ये कितना, जाओ मैं वाह, मुझे तो यही सब चीजें चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है, आओ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। पता नहीं दादी को नहलाएंगे तो आपको दिखाएंगे। दादी मेरी लग रहा है हफ्तों बाद नहा रही हैं। दीदी कब से बोल रही थी कि हम लोग जाएंगे या फिर तुम लोग आओगी तब नहलाएंगे। वो दिखो आज का रोज गुलाब का फूल तोड़िए मत बस। नहीं अभी नहीं तो हाँ, उसका दूध मुंह पे नहीं पड़ना चाहिए। जाओ उसको हाथ धुल के आओ, रुक जो। अभी दादी को बैठा दिया गया नहाने के लिए। का कुछ कुछ नहीं की जा करो, नहाए बैठल बढ़िया जी हमार। यहाँ पे दादी को नहलाया जा रहा है। आजी कुछ कहबू चमड़ के तो छोड़ते हैं। आजी नहीं के निकला कितना नहात मुआ खाती ले लिया बोले है ना, बस गर्दन ही लाओ तड़ी कुछ कहो आजी। ए चले के भीतर अब गाम लागत है। रम्या आओ बेटा, का कहो तड़ी दीदी। दीदी यहाँ पे खाना खा रही थी। दादी पूछ खाई हाँ हो देखा का लिए बने का मंगल के लू ना फुलौरा देखो दही बारा बना के लिए लिया। दीदी ज्यादा मत देख लाल दूध बुद्धि है फिर बाद में देखो का। यहाँ पे मैडम हवा बैठ के खा रही हैं, नाश्ता दिया वो तो खाया नहीं गया, हवा खा रही हैं।
और यहाँ पे दादी को मैंने दही बड़े दे दिए हैं, तो दादी दही बड़ा एंजॉय कर रही हैं। कहाँ मिला जी? के प्रियंका के आई ना बाउरी दिया जी। और जब से ये दोनों आई हैं उधर ही की उधर ही, पता नहीं क्या इन लोगों का मजा आ रहा है, क्या हो रहा है, उधर ही हैं। यहाँ पे दादी ये कपड़े में जा रही धोने। तो आप आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, सामान वाला अभी हमने ऐसे ही फैला रखा है, उसको सब अच्छे से रखेंगे। और अब हम तैयार होके जाएंगे मेले में, और मेला हमारे यहाँ कैसा होता है तो आज हमारे ब्लॉग में देखिएगा। शायद हम नेक्स्ट ब्लॉग वही डालेंगे तैयार वैर होके, क्योंकि अभी हमने सब कुछ खा पी लिया है, सामान थोड़ा रखेंगे, तैयार वैर होंगे तब हम लोग जाएंगे। और दादी हमारी एकदम नहा धो के कपड़ा उन्होंने पहना दिया है, हमने एकदम अच्छे से एकदम बाल बाल झड़वा के बैठी हुई हैं।